ओम भूर भुवः स्वः तत्स्व विदुर वरेणियम प्रभो देवश्य दीनहि यो नः प्रचोदयात् ओम शांति 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 उपनिषदों की कहानी और कथाओं की श्रृंखला में आज मैं आपको महाराजा जनक और महर्षि याग्नवाल की कथा सुना रहा हूँ महाराजा जनक एक अक्षत्रिय राजा होते हुए ब्रह्म ज्ञानी और आत्मविद्या की ज्ञाता थे महर्षि याग्नवाल बहुत ही वेदों के उपनिषदों के ज्ञाता ही नहीं रचयिता भी थे बहुत सारे श्लोक बहुत सारी रचाएं उन्होंने रची हैं और आत्मविद्या और ब्रह्म ज्ञान पर उनका बहुत ही जो है ज्ञान था तो दोनों ज्ञानी दोनों ब्रह्म ज्ञानी आत्म ज्ञानी महापुरुष आपस में संवाद करते हैं एक दूसरे से शास्त्रार्थ करते हैं तो सुनिए ये कथा और ज्ञान प्राप्त कीजिए एक बार जब राज जनक अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे तब के उनके पास जा पहुंचे राजा जनक ने उनसे पूछा हे के तुम तो मेरे पास किस उद्देश्य से आए हो पशों को प्राप्त करने की इच्छा से या ब्रह्म ज्ञान संबंधी प्रश्नों की आकांक्षा से याग्ञल्के ने कहा कि मेरे आने का उद्देश्य दोनों तरह का है मैं मे, मेरी दोनों इच्छाओं को लेकर आया हूँ तब सम्राट जनक बोले पहले तुम यह बताओ कि तुम्हें किस व्यक्ति ने क्या सिखाया है यागवल्के ने उत्तर दिया जितवा शैलिनी ने मुझे यह सिखाया है कि वाणी ही ब्रह्म है सम्राट जनक बोले माता पिता और गुरु की तरह शैली ने तुम्हें यह सिखाया कि वाणी ही ब्रह्म है क्योंकि जो व्यक्ति वाणी से रहित हो जो बोल ही नहीं पावे वह किस काम का हो सकता है उसने निश्चय उसने निश्चय ही तुम्हें यह भी बताया होगा कि उसका आयतन अर्थात स्थान या शरीर क्या है और उसकी प्रतिष्ठा भूत वर्तमान और भविष्य में उसकी स्थिति क्या है याग बल्के ने कहा उसने मुझे यह नहीं बताया कि ब्रह्म केवल एक पांव के बल खड़ा है जैसा कि आप सोचते हैं बल्कि यह बताया कि उसके चार पांव है यदि ऐसा है तो हे यागवल मुझे समझाओ कि ऐसा किस प्रकार और क्यों है यागवल ने उत्तर दिया हे सम्राट वाणी ही आयतन है वाणी ही प्रतिष्ठा है वाणी ही आकाश है और वाणी ही प्रज्ञा ज्ञान है इसी प्रगा के रूप में ब्रह्म की उपासना की जानी चाहिए यही ब्रह्म का चौथा पांव है जनक ने पूछा प्रज्ञा क्या है यागवल के ने उत्तर दिया हे सम्राट वाणी ही प्रज्ञा है वाणी से ही मित्र जाना जाता है वाणी से ही ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद आंगिरस इतिहास पुराण विद्या उपनिषद श्लोक सूत्र मंत्रों की व्याख्याएं व्याख्यान यज्ञफल यह लोक परलोक तथा समस्त प्राणियों का ज्ञान होता है हे सम्राट वाणी द्वारा ही ब्रह्म को जाना जा सकता है वाणी ही पर ब्रह्म है जो इस ज्ञान से ब्रह्म की उपासना करता है उसका साथ ही वाणी नहीं छोड़ती सब प्राणी उसका अनुसरण करते हैं वह देवता बनकर देवताओं के पास चला जाता है ब्रह्म के दो रूपों का उल्लेख इस रूपक में पाया जाता है एक तो उसका वह रूप जो इस नश्वर शरीर के भीतर अस्थायी रूप से निवास करता है दूसरा वह रूप जो अनादिकाल से युग युग में बदलते हुए रूप में व्यक्त होता चला गया तब सम्राट जनक ने कहा हे hey, यागवल के मैं तुम्हें हाथियों के बराबर बड़ी एक हजार गाय दान करता हूँ यागवल उत्तर दिया हे सम्राट मुझे मेरे पिता ने यह उपदेश दिया था कि किसी को पूर्ण शिक्षा दिए बिना ही दान नहीं लेना चाहिए सम्राट जनक बोले शैलिनी को छोड़कर और किसी दूसरे व्यक्ति ने तुम्हें क्या बताया यागवल उत्तर दिया उदंक शाला उदंक शलबाइन शुल्भ का वंशज ने मुझे बताया कि प्राण ही ब्रह्म है जनक बोले योग्य माता पिता और गुरु की तरह ही उदंक ने तुम्हें यह सिखाया कि प्राण ही ब्रह्म है क्योंकि प्राणहीन मनुष्य किस काम का हो सकता है उसने निश्चय ही तुम्हें उसका आयतन और स्थिति बताई होगी हे hey, सम्राट उसने मुझे यह नहीं बताया कि ब्रह्म केवल एक पांव वाला एक पाद है यदि ऐसा है तो हे hey, याग्विल्क मुझे समझाओ कि ऐसा किस प्रकार और क्यों है यागविल ने उत्तर दिया प्राण ही आयतन है प्राण ही स्थिति है प्राण ही आकाश है प्राण ही सबको प्रिय है इसी प्रिय रूप में उसकी उपासना की जानी चाहिए हे यागवल्क वह प्रिय रूप क्या है समझाओ यागवल ने कहा हे सम्राट प्राण ही वह प्रिय रूप है प्राण के प्रेम से मनुष्य ऐसी वस्तुओं की इच्छा करता है जो कामना के योग्य नहीं है ऐसी वस्तुओं को ग्रहण करता है जो ग्रहण करने योग्य नहीं है प्राण के प्रेम से ही सर्वत्र मारे जाने का भय बना रहता है हे सम्राट प्राण ही पर ब्रह्म है जो ब्रह्म को इस रूप में जानकर उससे उपासना करता है उसे प्राण नहीं त्यागता सभी प्राणी उसका अनुसरण करते हैं वह स्वयं देवता बनकर देव लोक में चला जाता है तब सम्राट जनक बोले हे hey, यागवल्क मैं तुम्हें हाथी के बराबर बड़ी एक हजार गाय प्रदान करता हूँ ने कहा हे hey, सम्राट मेरे पिता ने मुझे यह उपदेश दिया था कि बिना पूर्ण शिक्षा दिए दान ग्रहण नहीं करना चाहिए तब बताओ और किसने तुम्हें क्या सिखाया कहा, वर्कु वर्षन, वर्ष ने मुझे बताया कि चक्षु ही ब्रह्म है जनक बोले उसने योग्य माता पिता तथा तो गुरु की तरह तुम्हें यह बताया कि चक्षु ही ब्रह्म है क्योंकि जिसके ही न हो वह मनुष्य किस प्रकार का काम इस काम का हो सकता है उसने निश्चय ही तुम्हें उसका आयतन और प्रतिष्ठा भी बताई होगी हे सम्राट उसने मुझे यह नहीं सिखाया कि ब्रह्म केवल एक पांव वाला है यदि ऐसा है तो हो तो समझा वह क्या है और कैसा है यागबल कन का हे सम्राट चक्षु ही उसका आयतन है वही आकाश है वही सिद्धि है और वही सत्य है इसी सत्य के रूप में ही उसकी उपासना करनी चाहिए हे यागवल के वैसत्य क्या है चक्षु ही वैसत्य है जब कोई व्यक्ति चक्षु से किसी वस्तु को देखता है तो लोग उससे पूछते हैं, क्या तुमने कुछ देखा है वह उत्तर देता है हाँ मैंने अमुक अमुक वस्तु देखी जो कुछ भी उसने देखा हो वही सत्य है अर्थात सृष्टि में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब सत्य ही का रूप है सम्राट चक्षु ही पर ब्रह्म है जो व्यक्ति यह जानकर चक्षु की उपासना करता है चक्षु उसे नहीं तजता समस्त प्राणी इसका अनुसरण करते हैं वह स्वयं देवता बनकर देवताओं के साथ मिल जाता है तब राज जनक ने कहा हे यागवल के मैं तुम्हें हाथी के बराबर बड़ी एक सहस्त्र गाय प्रदान करता हूं याग्ञवल्कन कहा मेरे पिता ने मुझे यह उपदेश दिया था कि पूर्ण शिक्षा दिए बिना किसी से दान नहीं लेना चाहिए तब बताओ कि और किसने तुम्हें क्या सिखाया? सिखायागवल्कन कहा भारद्वाज वंशीय गर्दीत ने मुझे बताया कि कर्ण ही ब्रह्म है योग्य माता पिता तथा गुरु की तरह ही भारद्वाज ने तुम्हें यह बताया कि कर्ण ही ब्रह्म है क्योंकि जो व्यक्ति कानों से सुन नहीं सके वह किस काम का हो सकता है उसने निश्चय ही तुम्हें उसका आयतन और प्रतिष्ठा के संबंध में बताया होगा यागवलकर ने कहा हे सम्राट उसने मुझे यह नहीं बताया कि ब्रह्म ही एक पांव वाला है हे याग्वलकर मुझे यह समझाओ कि वह कैसा है और क्या है करण ही आयतन है करण ही आकाश है करण ही स्थिति है करण ही अनंत है इस अनंत रूप में उसकी उपासना करनी चाहिए जनक ने पूछा वह अनंत रूप क्या है ने उत्तर दिया हे सम्राट दिशाएं अनंत हैं। इसी कारण किसी भी दिशा का अंत कहीं नहीं दिखाई देता ये दिशाएं ही कान हैं। इसलिए श्रोत्र कान ही पर ब्रह्म है जो इस रूप में ब्रह्म की उपासना करता है कान उसे नहीं तभी सभी प्राणी उसका अनुसरण करते हैं वह स्वयं देवता बनकर देवताओं के पास चला जाता है राज जनक ने कहा हे यागवल के मैं तुम्हें हाथी के बराबर बड़ी एक हजार गाय प्रदान करता हूँ यागवल्कर ने उत्तर दिया मेरे पिता ने मुझे यह उपदेश दिया था कि पूर्ण शिक्षा दी बिना किसी का दान ग्रहण नहीं करना चाहिए तब सम्राट जनक बोले तब बताओ तुम्हें और किसने क्या सिखाया यागवल ने उत्तर दिया सत्यकाम जाबाल जाबाला का पुत्र ने मुझे यह सिखाया कि मन ही ब्रह्म है योग्य माता पिता और गुरु की तरह ही सत्य काम ने तुम्हें यह सिखाया कि मन ही ब्रह्म है क्योंकि जिसके मन ही न हो वह किस काम का हो सकता है उसने निश्चय ही तुम्हें मन की आयतन और स्थिति के संबंध में बताया होगा हे सम्राट उसने मुझे यह नहीं बताया कि ब्रह्म केवल एक ही पांव वाला है जनक बोले समझाओ कि वे कैसा है और क्या है यागवल्कन कहा मन ही आयतन है मन ही आकाश है मन ही है और मन ही आनंद है इसी आनंद में में रूप उसकी उपासना करनी चाहिए। हे या, के उस आनंद का स्वरूप क्या है हे सम्राट मन से ही स्त्री को प्राप्त करने की इच्छा होती है स्त्री से अपना ही प्रतिरूप पुत्र उत्पन्न होता है और वह पुत्र ही आनंद है इसलिए हे सम्राट मन ही पर ब्रह्म है जो इस रूप में ब्रह्म की उपासना करता उसे मन कभी नहीं तजता सभी प्राणी उसका अनुसरण करते हैं वह स्वयं देवता बनकर देवताओं के पास ही चला जाता है राज जनक बोले हे यागवल के मैं तुम्हें हाथी के बराबर बड़ी एक हजार गाय प्रदान करता हूं याग्वल कन कहा मेरे पिता ने मुझे यह उपदेश दिया था कि पूर्ण शिक्षा दिए बिना किसी से दान ग्रहण नहीं करना चाहिए सम्राट जनक बोले तब बताओ और किसने तुम्हें क्या सिखाया कहा शाकल्ले ने मुझे यह बताया कि हृदय ही ब्रह्म है योग्य माता पिता और गुरुवित्र ही विद्ध साकल्य ने तुम्हें यह बताया कि हृदय ही ब्रह्म है क्योंकि जिसकी हृदय ही नहीं हुए व्यक्ति किस काम का हो सकता है उसने निश्चय ही तुम्हें उसके आयतन और प्रतिष्ठा के संबंध में बताया होगा उसने मुझे यह नहीं बताया कि ब्रह्म केवल एक पांव वाला है तब समझाओ कि वह कैसा है और क्या है यागवल्कन का ही सम्राट हृदय ही आयतन है हृदय ही आकाश है हृदय ही प्रतिष्ठा है और हृदय ही स्थिति है स्थिति किस प्रकार का है ही सम्राट हृदय ही सब प्राणियों का आयतन है हृदय ही प्रतिष्ठा है हृदय ही में सब प्राणी प्रतिष्ठित होते हैं इसलिए हृदय ही पर ब्रह्म है जो यह जानकर ब्रह्म की उपासना करता है उसे हृदय कभी नहीं तस्ता सभी प्राणी उसका अनुसरण करते हैं, वह स्वयं देवता बनकर देवताओं के पास चला जाता है तब राज जनक ने कहा हे याग के मैं तुम्हें हाथी के बराबर बड़ी एक हजार गाय प्रदान करता हूँ यागवलकन कहा मेरे पिता ने मुझे उपदेश दिया है कि से किसी से दान नहीं लेना चाहिए। विदयराजनक ने जब यागवल्क की ज्ञान भरी बातें सुनी तो वह अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और दोनों हाथ जोड़कर मस्तक नवाते हुए बोले हे के मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ तुम महाज्ञानी हो इसलिए तुम मुझे ब्रह्म ज्ञान सिखाओ के ने कहा जिस प्रकार दूर देश की यात्रा के लिए तैयार होने के बाद कोई व्यक्ति रथ या नाव पर सवार होने के लिए पग बढ़ाता है उसी प्रकार हे सम्राट अब तुम्हारा मन भी उपनिषदों की उपासना पद्धतियों का बोध होने पर ब्रह्म ज्ञान के लिए तैयार हो गया है तुम माननीय हो संपन्न हो वेद वेदता हो और उपनिषदों की शिक्षा भी तुम पा चुके हो पर यह सब होने पर भी जब तक तुम सब ज्ञान ज्ञान, ज्ञान का ब्रह्म प्राप्त नहीं कर लेते तब तक सब है। अब मैं तुमसे प्रश्न करता हूँ इस शरीर से मुक्त होने पर अर्थात मृत्यु के बाद तुम कहाँ जाते हो जनक बोले भगवान मैं नहीं जानता आप ही मुझे समझाइए अच्छी बात है मैं तुम्हें बताऊंगा ध्यान देकर आदि से अंत तक मेरी बातें सुनो जो पुरुष दाई आंख में निवास करता है उसका नाम इंद है उसका वास्तविक नाम इंद ही है पर उसे परोक्ष रूप से इंद्र कहते हैं क्योंकि देवगण परोक्ष नामों से पुकारा जाना पसंद करते हैं और प्रत्यक्ष नामों से पुकारे जाने पर असंतुष्ट हो उठते हैं बाई आँख में पुरुष के रूप में निवास करने वाली उसकी स्त्री है जिसका नाम विराट है उन दोनों का मिलन अक्षेत्र अंतर हृदय का आकाश है उन दोनों का भोजन हृदय का लाल मांसपिंड पिंड है उन दोनों का गुप्त विश्राम ग्रह हृदय के भीतर नसों का बना हुआ जाल है उनका भ्रमण पथ हृदय से ऊपर उठने वाली नाड़ी है जिस प्रकार बाल को हजार बार चीरने पर उसका जो रूप रह जाता है उतना ही सूक्ष्म हिता नाम की नाड़ी हृदय के भीतर स्थित है इन ही सूक्ष्म नाड़ियों से होकर शरीर शारीरिक आत्मा का भोजन संचारित होता है उस भोजन से सुख संतर व्यक्तियों का पोषण होता है इस शरीर आत्मा से उत्तर आत्मा का पोषण होता है इस रूपक का आशय यह है कि शारीरिक व्यक्तियों की ही समुचित साधना ही द्वारा सूक्ष्म आत्मा का ज्ञान संबंध होता संभव होता है शारीरिक व्यर्थियों को ही सब कुछ समझना भयंकर भूल है पर साथ ही उनकी उपेक्षा करने से भी सूक्ष्म आत्मा का ठीक ठीक ज्ञान असम्भव इस शरीर आत्मा से पूर्व की ओर जाने वाले प्राण वायु ही उसकी पूर्व दिशा है दक्षिण की ओर प्रवाहित तो होने वाले प्राण दक्षिण दिशा हैं पश्चिम की ओर प्रवाहित तो होने वाले प्राण उसकी पश्चिम दिशा हैं और उत्तर की ओर जाने वाले प्राण उत्तर दिशा हैं सब दिशाएं प्राणहीन हैं पर जो मूल आत्मा है वह यह है न वह है वह मनुष्य की इंद्रियों द्वारा ग्रहण योग्य नहीं है अर्थात इंद्रियों की अनुभव शक्ति के प्रे है वह छिदने वाला नहीं है असंग है अर्थात वह किसी से लिप्त नहीं है असीम है ने उसे किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव होता, होता है जनक इस अभय आत्मा को तुमने अप्राप्त कर लिया है तब विदिराज जनक बोले ही याग के आपने जिस अभय आत्मा की शिक्षा मुझे दी है वह आपकी ही बन जाए मैं आपको नमस्कार करता हूँ यह विधि राज्य और समय अपने को मैं आप ही के चरणों में अर्पित करता हूँ याग्वल्के उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए यहाँ पर इस वीडियो का मैं समापन करता हूँ ये आत्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का बहुत ही श्रेष्ठ उपदेश जो है महर्षि यागवल्के ने महाराजा जनक को दिया है दोस्तों खुद भी इसको बार बार सुनिए दोस्तों को रिश्तेदारों को बच्चों को सुनाइए दिखाइए ये बहुत ही बढ़िया आत्म ज्ञान का वीडियो है नमस्कार दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों नमस्ते नमस्ते नमस्ते